देखो, कल अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवाई थी, उसके फीचर्स। आज अपन क्लासिफिकेशन और काइंड्स कर रहे हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फोर में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फिर फॉर्मेशन, इसमें पहला है क्रिएशन और फॉर्मेशन के हिसाब से। फर्स्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी या तो ओरली यानी बाय वर्ड्स आई है कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर रिटन पेपर वर्क किया है। तो ओरली भी आ सकते हैं, रिटन भी आ सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। अब देखो, ओरल है, अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाले ने ऑफर किया और एक पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, एक ऑफर कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। इट मींस वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट मींस दे आर एक्सप्रेसिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो एक्सप्रेस करना, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े बिजनेस होते थे उसमें पेपर वर्क नहीं होता था, ओरली बोलते हैं ना, जबान की कीमत होती है हमारे बिजनेस में, जो डायलॉग्स होते थे ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे, इसलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी होते थे। ठीक है, सेकेंड टाइप देखो, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसी सिचुएशन में आना, या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या हमारा कोई ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से हम ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, और इसके लिए ना हमने कोई ओरली मतलब कोई एक्सप्रेस नहीं किया है, ना ही इन रिटन, नॉट इन ओरल नॉट इन रिटन। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, एम्प्लाइड। ठीक, ऑलरेडी एम्प्लाइड। सपोज जब आप लोग बस वगैरह से ट्रेवल करते हैं या फिर ट्रेन वगैरह से ट्रेवल करते हैं, इट मींस जब आप बस पे चढ़ते हैं तो आपका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि अगर मुझे बस पे ट्रैवल करना है तो मुझे उसका टिकट लेना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना है तो मुझे उसके लिए भी टिकट लेनी पड़ेगी। जो बस का मालिक है वो आएगा नहीं आपके पास बोलने के लिए, और एक पेपर वर्क या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराएगा उस समय आपसे आके कि आपको बस में ट्रैवल करना है, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, यहाँ से दिल्ली से क्या जरूर से रायपुर तक का टिकट का अमाउंट ये है, या फिर अगर आप ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं साइन कर रहे हैं उसके साथ। इट मीन्स आपका कंडक्ट, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, योर कंडक्ट और आपका एक्ट, कि वो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। कंडक्ट और एक्ट ऑटोमेटिकली बाइंड्स कंडक्ट और एक्ट ऑटोमेटिकली बाइंड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अपन ट्रेन पे अगर ट्रेवल करते हैं, हम क्या करते हैं, सामने वाले को फेयर देते हैं, वो हमको रिजर्वेशन टिकट देता है, तो वो समथिंग फॉर समथिंग। देखो, उसमें कंसिडरेशन भी मिला, आपको टिकट मिली गई ट्रैवल करने के लिए, और रेलवे वालों को क्या मिला, कंसिडरेशन भी मिला, पेपर वर्क भी हो गया एक तरीके से अगर आपके पास टिकट है। अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, आपको रिफंड चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। क्लियर है आपको, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यस मैम। नेक्स्ट देखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ये एक टाइप है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, या अनदर कैटेगरी बोल सकते हो उसको, अनदर कैटेगरी और टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें देखो क्या होता है, जैसे इसको फर्स्ट वाले से अगर आप कंपेयर करोगे, तो मैंने क्या बोला, आपको कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बट
ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आपको एक बस की जब टिकट लेते हैं आप कंडक्टर से, तो आपको एक छोटी सी पर्ची काट के देता है, इट मीन्स पेपर वर्क, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। या फिर अगर आप, मैंने बताया था रेलवे की टिकट्स का है तो उसका भी आ जाता है, लेकिन जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई पेपर वर्क भी नहीं आता है। सपोज ये क्यों होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब उस काम को करते इस समय ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है। आप कैसी, किस टाइप की सिचुएशन, अगर आपको रास्ते में किसी की मार्कशीट्स वगैरह मिल रही हैं तो आप क्या करेंगे, उसको रिटर्न करना आपका ड्यूटी है, तो जो बाय ड्यूटी, ठीक है, मॉरल ड्यूटी होती है जिसमें, ठीक। दूसरा, या अगर आपको रास्ते में किसी का कुछ पर्स वगैरह मिलता है तो इट इज योर मॉरल ड्यूटी में आ जाता है, आपका कंडक्ट या एक्ट आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करता है। हाँ, लेकिन अब इसमें एक कंसिडरेशन की बात आती है। देखो, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और अगर आपको कंसिडरेशन नहीं मिलता, इट मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। जो मैंने कल फीचर्स बताए थे उसके सारे के सारे पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। उसमें कंसिडरेशन क्या हुआ कि जब आप सामने वाले को उसकी मार्कशीट रिटर्न करेंगे तो वो आपको अमाउंट देगा आपने जितना भी एक्सपेंस किया होगा उसको सेंड करने में, या अगर आप किसी को पर्स मिल रहा है आपको और आप उसको रिटर्न करें तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कुछ रिवॉर्ड दे वो। बताओ, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड या क्वाजी में डाउट किसी को? नो मैम। टफ नहीं लग रहा है, इजी है? यस मैम, इजी है। इजी है, ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है ना। देखो ये टॉपिक है ना, समझ में आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो, कहीं पे डाउट होगा तो पूछना। ये क्वाजी तक हो गया, अब नेक्स्ट देखो बी। ये फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन में ये तीन पढ़ेंगे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वाजी। अब इधर देखो नेक्स्ट, है ना, बी में देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। अब इसमें फर्स्ट देखो, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था दो या दो से ज्यादा पार्टीज रहती है ना, तो जो बोथ पार्टीज हैं उन्हें, उन्होंने अपने जो रिस्पेक्टिव काम थे, उनके जो ऑब्लिगेशंस थे या उनकी जो लाइबिलिटीज थी वो कंप्लीट कर दिए और अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कंप्लीट करने के लिए नहीं बचा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड, ऑलरेडी डन। नेक्स्ट है इसमें एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बोथ पार्टीज, है ना, जितनी भी, मतलब दो या दो से ज्यादा, वॉट एवर, आर स्टिल परफॉर्मिंग, ठीक है, आर स्टिल परफॉर्मिंग। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, मतलब अभी उनका काम कंप्लीट होना बाकी है। स्टिल परफॉर्मिंग मीन्स क्या होता है कि अभी उनको अपना काम पूरा कंप्लीट करना है, स्टिल टू परफॉर्म देयर have still to perform their respective obligation. Next देखो, इसमें बस यही दो, executed और executory. Next देखो आप, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस।
इसमें पार्टीज को ध्यान में रखते हुए, ये वाला जो एग्जीक्यूशन था या परफॉर्मेंस था, इसमें किसको ध्यान में रखा था? वर्क को, ठीक। अब इसमें किसको ध्यान में रख के कर रहे हैं? इन रिलेशन टू पार्टीज, है ना, मतलब जो लोग हैं। इसमें क्या था, बी वाले में परफॉर्मेंस हो रहा है लेकिन किसके रिगार्डिंग? वर्क। और इसमें हम किसकी परफॉर्म की बात करें? पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में है। इसमें पहला है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, सिंगल साइडेड, मतलब एक पार्टी ने अभी अपना काम किया है और दूसरी पार्टी को अभी अपना काम कंप्लीट करना बाकी है, ठीक। तो एक पार्टी ने अपना काम कर दिया और दूसरी पार्टी को अपना काम स्टिल अभी कंप्लीट करना है, तो वो यूनिलेटरल होगा। और सेकेंड होगा इसमें बाईलेटरल, बाईलेटरल क्या होगा बताओ? कोई दो अरे दो तो पता है, लेकिन क्या काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? मैम दोनों ने कर दिया होगा। नहीं, दोनों ने नहीं किया, यही था इसमें, इसलिए मैंने पूछा था, ठीक है। इसमें किसी एक ने काम नहीं किया और इसमें दोनों ने नहीं किया। आ रहा है समझ में? ये किसके जैसे सिमिलर है? एग्जीक्यूटरी, इट इज सिमिलर टू एग्जीक्यूटरी। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट में ही बता रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका अच्छे से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, इनफोर्सिबिलिटी कल मैंने बताया था क्या होता है, बताओ? इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कर एक वर्ड बताया था मैंने, आप लोगों को नोट किया होगा किसी ने। चलो पेज पलटाओ अपने कॉपी की, बताओ मेरे को। मैम सपोर्टेड बाय लॉ। सपोर्टेड बाय लॉ, ठीक है। और देखो, इट मींस वैलिडेट, मतलब वैलिडेशन मिल रहा है ना उसको गवर्नमेंट से। Not supported by law, ये मीनिंग लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग एग्जाम में अगर लिखेंगे तो आप लिखना ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये समझने के लिए लिखा है इसमें। अब इसमें देखो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला है। इसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जो एसेंशियल्स की बात कर रही हूँ, यानी फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, कल किए थे हमने, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। याद आ रहा है कल जो भी किया था? आ रहा है समझ में? बताओ। यस मैम। तो जितने भी कलम ने फीचर्स पढ़े थे वो सारे के सारे होने ही चाहिए किसमें? इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। अगर एक भी मिसिंग है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें सेकेंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन तो वैलिड थे, बट ड्यू टू सम सरकम्स, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस का आना, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? वॉइड हो चुका है, नल हो चुका है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, सीज का मतलब समझते हो बेटा? जैसे बोलते हैं ना इनकम टैक्स वालों ने जगह सीज कर दी, सीज
समझ रहे हो? मैम बंद, मतलब बंद कर दी। हाँ बंद कर देना। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज, है ना, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void. देखो कल एक कॉन्ट्रैक्ट की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, बताओ क्या थी? निकालो डेफिनेशन, निकालो। कल एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो यस मैम, क्या लिखा है उसमें? मैम अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज एन्फोर्सेबल बाय लॉ। इट मींस, देखो अब एक चीज है, टाइप कर रही हूँ यहाँ पे, समझना आप लोग सब। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कल भी मैंने शायद डायग्राम ये बताया था, एग्रीमेंट प्लस, बताया था क्या, प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यस मैम, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होते हैं? जब वो एग्रीमेंट भी हो और इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो। तो अगर उसमें से समझो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हट जाता है, जैसे मैंने यहाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट Which ceases to be enforceable by law becomes void. तो अगर इन दोनों में से, इन ये दोनों में से कुछ भी एक हट जाएगा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों का होना बहुत कंपल्सरी है, मस्ट कंडीशन होती है ना ये, वो है। तो अगर इन्फोर्सेबिलिटी उसकी सीज हो जाती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एग्रीमेंट रह जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं अब? वॉइड। वॉइड का समझ में आ रहा है मीनिंग, कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो है लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। आ रहा है समझ में? यस, ठीक है। यस मैम, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? जो एग्रीमेंट्स होंगे, एग्रीमेंट। अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लिख सकते हैं कि नहीं? या फिर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? कंफ्यूजन, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बताओ? बताओ, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी बोलो। क्लियर है सबको? बताओ, आरती, अनुराग, हितैषी, आस्था, बोलो। हितैषी है, हाँ है। हर्ष, रवि, नम्रता, बोलो बेटा। आयुषी, मैम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है ना, कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब इसमें देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तब ये पूरे वैलिड होते हैं, तब क्या होते हैं ये? वैलिड होते हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से लॉ अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्फोर्सेबल नहीं कर रहा है। लॉ क्या नहीं कर रहा है? इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू कुछ, मतलब सिचुएशन। एट द टाइम ऑफ जब वो बन रहा था तब तो वो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको कल भी शायद बताई थी कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसमें लॉ सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था ट्रेड वॉर, सिविल वॉर हो जाता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन जिसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे पहले गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया था लेकिन अब सडनली उस चीज के बिजनेस पे गवर्नमेंट बैन लगा दे। आ रहा है समझ में? यस मैम। फिर देखो, हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को फिर थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम टाइप्स में आ रहे हैं, तो टाइप्स को देखो। फिर नेक्स्ट देखो,
ये हो गया void contract. अब ना void के बाद एक और आता है, जिसको बोलते हैं voidable. क्या होता है voidable? कल बताया था मैंने. अच्छा नहीं, दूसरी क्लास में शायद एक्सप्लेन किया था. voidable contract देखो तीनों कंफ्यूजिंग होते हैं, बट वैलिड, void, voidable. voidable contract वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें सामने वाली पार्टी, एक या जो पार्टीज है, कोई भी एक पार्टी का उसमें फ्री कंसेंट नहीं है. क्या नहीं है? फ्री कंसेंट नहीं है. नो फ्री कंसेंट. और फ्री कंसेंट नहीं होने के पांच रीजन होते हैं, कल बताया था मैंने. क्या बताया था? एक कोर्शन, मतलब डरा धमका के जबरदस्ती. फिर क्या बताया था? अनड्यू इन्फ्लुएंस. याद आया? यस मैम. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब डोमिनेट करना, मिस्टेक करना. मतलब मिस्टेक नहीं आता है. पांच लिखवाए थे मैंने फ्री कंसेंट में, तो जो वॉइडेबल है उसमें मिस्टेक नहीं आएगा. फ्रॉड. मिस्टेक क्या होता है? गलती से. दूसरा मिसरिप्रेजेंट करना फैक्ट्स को. तो जब कॉन्ट्रैक्ट में ये चार चीज, देखो फ्री कंसेंट के लिए पांच चाहिए लेकिन उसको वॉइडेबल बनाने के लिए चार चाहिए, याद रखना. तो ये चार चीजें जब रहेंगी तो कोई भी एक पार्टी क्या है, अपना फ्रीली ऑफ माइंड से ना नहीं हाँ नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको सामने वाला डरा धमका के हाँ बोल रहा है, या उसको फ्रॉड कर रहा है, या उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, या उसको धमकी दे रहा है, जो भी. ठीक. तो ऐसी सिचुएशन में एक ऑप्शन होता है सामने वाली पार्टी के पास, उस ऑप्शन को बोलते हैं वॉइडेबल. मतलब मूव आउट कर जाना, कि वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाए, हट जाए. लेकिन अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहती है, ये सब जानने के बाद कि इसको डरा रहा है, धमका रहा है, और वो डर के उसके साथ रह रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा और वो वैलिड रहेगा फिर. लेकिन अगर सामने वाले को डरा धमका के वो रह रहा है, और तब उसके पास एक ऑप्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट से मूव आउट कर जाए और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दे. क्लियर हुआ मीनिंग उसका? यस मैम. सबको कंफ्यूज मत होना ना void, voidable और valid में. सबको मतलब सबको समझ में आ रहा है? आयुषी, अनुराग, हर्ष, यस मैम, रवि, अनुराग समझ आ रहा है? समझ. हितैषी, यस मैम. क्लियर है? डाउट है कहीं void, voidable में? रवि, नो मैम. मैम ये voidable वाला एक बार बताओ ना. कौन एक्सप्लेन करेगा voidable? बताओ. आयुषी करोगी? यस मैम. हाँ करो, ट्राई करो, अच्छे से सुनना. मैम मैम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आपने वो बताया, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी, मतलब दो बिजनेसमैन है, उसमें से जो एक पार्टी है उसको फ्री कंसेंट नहीं है, वो या तो उसको डराया धमकाया जा रहा है, या तो फ्रॉड किया जा रहा है, उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब गलत फैक्ट्स के द्वारा, तो वो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, मतलब उसको. यस मैम. हाँ बोलो बोलो, कंटिन्यू करो. हाँ तो उसमें भी उसको मैम चांसेस मिलते हैं, अगर ये उसके साथ फ्री कंसेंट चीजें हो रही हैं तो वो चाहे तो उसको छोड़ सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से हट सकता है, बट वो उस कॉन्ट्रैक्ट में रह रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कहा जाएगा. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा. ठीक है. तो देखो नो फ्री कंसेंट, जब कोई अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा है और उसको डरा धमका के उस कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाले के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से मूव आउट कर जाए, मतलब voidable. मूव आउट कर जाए मतलब उसके पास ऑप्शन है एक पार्टी को कि कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाए, तो उसको बोलते हैं voidable contract.
अब इसमें नेक्स्ट देखो, ये ना यहां पे कर दी हूं, ठीक है इसको। नेक्स्ट इसमें देखो, वॉइडेबल के बाद है इसमें फोर्थ पॉइंट, अनएनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिएबल क्या होता है? अनएनफोर्सिएबल अभी आपने बताया था किसी ने, नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड तो हैं बट उसमें ना लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं है, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं है। सपोज जैसे रजिस्ट्रेशन ड्यूटी लगती है, किसी में स्टैम्प लगता है, किसी में अटेस्टेशन लगता है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल होते हैं। अगर हम उसको फुलफिल कर देते हैं तो फिर वो वैलिड हो जाते हैं। फिर फिफ्थ है इसमें इलीगल और अनलॉफुल, मतलब जो आपका सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो इलीगल है। इलीगल की मीनिंग तो सबको पता ही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे एग्रीमेंट्स जिसको इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लॉ सपोर्ट नहीं करता है, तो वो हो जाएगा इलीगल और अनलॉफुल। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिखा आप सबने।